हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हम यहाँ पे प्रतिशत सीखेंगे, पार्ट 5। प्रतिशत जो है वाकई बहुत बड़ा चैप्टर होता है, लेकिन इसको सीखने से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको बड़े सब्र से सीखा जाता है। तो करते हैं आज का नया क्वेश्चन। एक कमरे में दो तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं, यानी बिल्ली और कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट जबकि प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट या बिस्किट खाता है। 45 जानवरों द्वारा, यानी कुल 45 जानवर हैं, तो 45 जानवरों द्वारा कुल 345 बिस्किट खाए जाते हैं या खाए गए, तो बताओ कि कुत्ते और बिल्लियों की संख्या ज्ञात करो, यानी कुत्ते और बिल्ली की संख्या में पता करनी है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे करा जाता है इस क्वेश्चन को कि हम लिखते हैं 45 और 45 में दो चीजें सोच लेते हैं कि अगर एक बिल्ली है, ठीक है, और एक कुत्ता है, तो बिल्ली को कितना 7 बिस्कुट खाना है, ठीक है, बिल्ली को 7 खाना है, कुत्ते को कितना खाना है, 9 खाना है। लेकिन 9 को आप 7 जमा 2 सोचेंगे, ठीक है, क्या सोचेंगे, 7 जमा 2, यानी ये 9 खा रहा है, ठीक है। तो मान लेंगे कि 45 के 45 बिल्ली ही थी, तो 45 गुना 7, यानी 7 × 35 = 5 = 3, 7 × 28 = 31, 315 बिस्किट। तो इतने बिस्किट, 315 बिस्कुट तो बिल्ली ही खा गई मान लो, तो टोटल है कितनी, 345। तो 345 में से, ठीक है, 345 में से घटा देंगे 315, ठीक है। तो सॉरी, क्वेश्चन में ना 355 लेना था, 355, तो 355 में से 315 घटा देंगे तो बचे 40 बिस्कुट। तो अब ये जो 40 बिस्कुट हैं, ये किसने खाए होंगे, तो ये जो दो कुत्ते हैं, ठीक है, तो ये दो जनों ने खाए होंगे, तो 40 और जो ये दो बचा है ये बटे में जाएगा, तो 40/2, 40 बच गए ना बिस्कुट, तो 40 बिस्कुट बच गए, तो कुत्ते तो अभी एक्स्ट्रा है ना, तो कुत्ते कितना खाते हैं, एक्स्ट्रा 2-2 बिस्कुट एक्स्ट्रा खाते हैं, 9 खाते हैं। तो इसीलिए क्या करेंगे कि हम 40 को 2 से भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा 20। तो इससे पता चल जाएगा कि ये 20 कुत्ते हैं, ये कुत्ते की संख्या पता चल गई, तो टोटल कितने थे, 45, 45 में से 20 कुत्ते घटा दो तो बचे कितने, 25, तो आपके 25 बिल्ली हो गया और 45 मतलब 20 कुत्ते और 25 बिल्ली हो गया, ठीक है। दोबारा समझो, 45 बिल्ली थे, 45 जानवर थे टोटल, दो तरह के, एक बिल्ली था और एक कुत्ता, तो बिल्ली खाती है 7 बिस्कुट, कुत्ता खाता है 7 और 2 एक्स्ट्रा 9 खाता है। पहले जो छोटा वाला होता है जैसे 7, तो उस छोटे वाले को मान लेंगे कि 45 के 45 बिल्ली ही थी, तो उसको गुना कर देंगे 7 से, तो 315 बिस्कुट बिल्ली ही खा गई। तो अगर 315 बिल्ली ही खा गई तो कुल कितने बिस्कुट थे, तो कुल थे 355 और उसमें से हम घटा देंगे कितना, 315 बिस्कुट, तो बचा कितना, 40 बिस्कुट। अब जो 40 बिस्कुट है ये क्यों बचा होगा, क्योंकि अभी कुत्तों में बटा नहीं है, तो ये जो 40 है, कुत्ते 2-2 एक्स्ट्रा खाएंगे 9, तो जो 2 एक्स्ट्रा खाएंगे, ये 40 एक्स्ट्रा बिस्कुट को, जो 2 बिस्कुट है एक्स्ट्रा उससे भाग दोगे तो 20 कुत्ते, यानी 2-2 बिस्कुट अगर और बांट दें तो 20 कुत्तों को बट जाएंगे 40 बिस्कुट, और बचेगा कितना, तो 20 कुत्ते। तो बिल्ली कितनी बचेगी, 45 घटा 20, यानी 25 बिल्लियां बचेंगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट भी इसी तरह से ही क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कबूतर हैं, अगर सिर गिने जाएं तो 280 हैं, तो ये हो गया आपके पास टोटल 280, और पैर गिने जाएं तो 820 हैं, तो पैर गिने जाएं, ठीक है, तो कौन है, तो वही एक तो आपका कबूतर है और एक कौन है, चूहा है, ठीक है। तो कबूतर के कितने पैर होते हैं, तो कबूतर के 2 पैर,
चूहे के कितने पैर होते हैं? तो 2 और +2 यानी 4 पैर हो गया, ठीक है। तो 4 पैर हो गया, तो 2 और 2 इसको टुकड़ों में सोचना है आपको, ठीक है। और कह रहा है 820 मतलब कुल पैर कितने, 820 है। तो कबूतरों की संख्या ज्ञात करो, तो पहले मान लेंगे कि 280 के 2 पैर हैं यानी कबूतर ही हैं सारे, और टोटल हो गया 560 पैर। तो टोटल हो गया 560 पैर कबूतरों के, लेकिन अभी टोटल कितने पैर हैं, 820। तो 820 में से घटा देंगे कितना, 560। तो घटाने पर जाएगा 260। अब जो 260 पैर बचे हैं जो, तो ये चूहे को बांटेंगे अब, ठीक है। चूहे के 2 पैर एक्स्ट्रा हैं, तो 260/2 तो आ जाएगा 130 चूहे। तो 130 चूहे और टोटल कितने थे, 280। तो 280 में से अगर 130 चूहे हैं तो कितना हो जाएगा, 150 कबूतर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, ठीक है। और अगर पुरुष 5% की दर से बढ़े और महिलाएं 9% की दर से बढ़े तो एक साल के बाद जनसंख्या 6500 हो जाती है। तो पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात करो, इस 6000 में कितने पुरुष कितनी महिलाएं हैं वो पता करना है। तो यानी इतना पता चल गया, 6000 में कुछ पुरुष हैं और कुछ महिलाएं हैं, ठीक है। पुरुष कितना बढ़ रहे हैं, 5% बढ़ रहे हैं। महिलाएं कितने बढ़ रहे हैं, 9%। 9% को आप ऐसे लिखेंगे, 5% + 4%, ठीक है। तो यानी ये 5-5% तो दोनों सेम है। अब 6000 में से अगर 5% पुरुष बढ़ते हैं तो 5% निकाल लेंगे 5/100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 300 पुरुष हो गए, ठीक है। तो बढ़े कितने, 6000 था और 6500 हो गया, तो 6500 हो गया, 6000 था, तो यानी 500 बढ़े टोटल। अब 500 में से पुरुष कितने बढ़े, अभी निकाला 300 बढ़े, तो महिलाएं कितनी हुई, 200 महिलाएं हुई, ठीक है। तो 200 महिलाएं हुई। अब जो ये 200 महिलाएं हैं ये किसके बराबर है, ये 4% की बढ़ी हुई महिलाएं हैं। तो यानी जो महिलाएं हैं तो महिलाओं का 4% बन रहा है 200, ठीक है। तो कुल महिला कितना जाएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, 200 × 100/4 ये हो जाएगा 5000। तो महिलाएं कितनी हो गई, 5000। तो 6000 में से जब महिलाएं हो गई 5000 तो पुरुष कितने बचेंगे, तो घटा देंगे 6000 में 5000 1000, ठीक है। तो हमें पता करना था कि कितने पुरुष और महिलाएं हैं, तो पुरुष रहेगा 6000 में से घटा 5000 महिलाएं, तो यानी 1000 पुरुष और 5000 महिलाएं, ठीक है। दोबारा समझेंगे, पुरुष कितने हैं, 5% बढ़े हैं, महिलाएं कितनी बढ़ी हैं, 9%। तो 5% तो दोनों ही बढ़े यानी, तो पहले ना हम 5% निकालेंगे तो 300 बन रहा है। जनसंख्या 6000 से बढ़कर 6500 हो गई है, तो 500 बढ़े होंगे। तो 500 में से पुरुष कितने बढ़े, 200 बढ़े, तो मतलब 300 घटा दो, तो महिलाएं कितनी बढ़ी, 200। अब 200 महिलाएं कितने परसेंट के बराबर है, 4% बढ़ोतरी बराबर है, तो 4% = 200, तो कुल महिलाएं 5000 और फिर पुरुष आ जाएगा 1000, ठीक है। सेम ये भी वही क्वेश्चन है, तो इसको आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो इसके अंदर पुरुष आ जाएगा आपका 6400 और महिलाएं कितनी आ जाएगी, तो महिलाएं आ जाएंगी 3200, ठीक है। तो ये आप हमें करके दिखाना। तो पढ़ देता हूँ मैं, एक गांव की जनसंख्या 9600 है, पुरुष 8% की दर से बढ़ते हैं, महिलाएं 5% की दर से बढ़ी, और एक वर्ष के बाद जनसंख्या 10272 हो जाती है, पुरुषों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो आप करना हो जाएगा। एक परिवार प्रति महीने 25 किलोग्राम चावल और 9 किलोग्राम गेहूं खपत करता है और इन सब पर 350 रुपए यानी 350 रुपए खर्च करता है। चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है, चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है। अगर गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाए तो चावल की खपत में प्रतिशत कमी ज्ञात करो। अगर चावल की कीमत स्थिर बनी रहे और खर्च भी 350 ही रहे, यानी खर्चा उतना ही रहे और चावल की खपत उतनी ही रहे, तो गेहूं की कीमत बढ़ने से चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी हुई, ये आपको पता करना है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे चावल और यहाँ लिख लेंगे गेहूं, ठीक है। तो चावल कितना,
25 किलो बोला था ना, एक परिवार प्रति महीने 25 किलो चावल और 9 किलो गेहूं खपत करता है, तो गेहूं 9 किलो खपत करता है, ठीक है। तो अब क्या कहा था कि चावल की कीमत गेहूं की कीमत की 20% है, तो 20% कितना होता है, 20/100 यानी 1/5, यानी अगर 5x, ठीक है, तो 5x रुपए कीमत मान लें गेहूं की, ठीक है, कीमत मान लें गेहूं की, तो चावल का कितना होगा, एक ही कीमत होगा, ठीक है, तो यानी हो जाएगा 1x, ये भी हो जाएगा कीमत। अब टोटल इसे गुना कर देंगे 25 किलो और गुना उसकी कीमत, तो ये हो गया मात्रा और ये हो गया कीमत, तो मात्रा और कीमत को हम गुना कर देंगे, 25x और प्लस 9 को इससे गुना कर देंगे, 9×5=45x, तो ये हो जाएगा टोटल खपत, ठीक है। तो टोटल खपत कितना जाएगा, 350 रुपये खर्च हो जाएगा टोटल ना, खपत या खर्च हो जाएगा टोटल इतना। तो अब इसको जोड़ेंगे तो 45 और 25 तो कितना होता है, 45 और 25 70x = 350, एक्स निकालेंगे तो 350/70 कट जाएगा तो 5। तो यानी अगर हम कीमत निकालें चावल की और गेहूं की, तो चावल कितना था 25x और गेहूं कितना था 5x, ठीक है। तो चावल हो जाएगा, सॉरी, 25×25x और 9×5=45x, सॉरी ये तो हमने खर्चे ले लिए, तो चावल हो जाएगा 1x और गेहूं हो जाएगा 5x, तो 1×5 और ये 5×5, तो 25 रुपये/किलो चावल गेहूं हो गया और 5×5 रुपये/किलो चावल हो गया, तो चावल और गेहूं की हमें कीमत पता चल गई, ठीक है। अब हमें यहां से क्या करना है, यहां पर अब हम लिखेंगे कि एक क्वेश्चन में एक लाइन कही थी कि अगर गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाए, तो अभी ये पता चल गया कि गेहूं कीमत 25 रुपये है और ये भी 20% बढ़ जाए, ठीक है। तो अगर 25×20% बढ़ जाए, तो 25×20% होता है 5, तो 5 बढ़ जाए तो नया कीमत क्या जाएगा, तो ये नया कीमत हो जाएगा और ये पुराना हो जाएगा, ठीक है, तो नया कीमत हो जाएगा 30 रुपये और चावल कीमत वही रहे, यानी 5 ही रुपये रहने, तो 5 रुपये/किलो और ये 30 रुपये/किलोग्राम, तो खपत क्या रहेगा। अब देखो 30 रुपये का तो गेहूं हो गया, तो गेहूं कितना खरीदना था, 9 किलो खरीदना था और चावल 25 किलो, तो अब यहाँ पे पहले हम ना 9 गुना कर देंगे, तो 270 रुपये तो हमने गेहूं पे ही खर्च कर दिए, हमारे पास है कितने, 350 रुपये, तो कुल हमारे पास 350 रुपये है, उसमें से हमने गेहूं पे कितना खर्च कर दिया अभी, तो 30, जब कीमत 20% बढ़ गया 30 रुपये, तो 9 किलो के लिए 270 रुपये खर्च हो गए, तो 270 घटा देंगे तो बचा गया आपका घटने बाद 80 रुपये, तो 80 रुपये और चावल अभी भी 5 रुपये में आ रहा है, ठीक है, तो 80/5 ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 16 किलो चावल। और पहले हम खरीदते थे कितना चावल, तो पहले खरीदते थे 25 किलो चावल, तो 25 में से अब 16 किलो खरीद रहे हैं, तो कितना किलो कम खरीद रहे हैं, 9 किलो कम खरीद रहे हैं, ठीक है, तो कितना प्रतिशत कमी हो जाएगा चावल में, जो चावल में प्रतिशत कमी हो जाएगा, चावल में प्रतिशत कमी हो जाएगा कि 9 किलो कम खरीद रहे हैं, पहले खरीदते थे 25 किलो और गुना में 100, 25×100 9×36, जो 36% जो है वो कम खरीद रहे हैं, ठीक है। दोबारा समझेंगे, ये आपका चावल था मात्रा में 25 किलो और गेहूं 9 किलो खरीदते थे, तो मान लिया कि गेहूं की पर्सन में कहा था कि जो गेहूं है, जो पर्सन में कहा था कि जो चावल की कीमत है वो गेहूं कीमत का ही 20% है, तो अगर 20% है तो 20% का मतलब हुआ 1/5, यानी गेहूं अगर 5 रुपये है तो 5×20% यानी 1 रुपये चावल की कीमत है, इसे 1x मान लेंगे, इसे 5x, अब इसे गुना करेंगे तो हो जाएगा टोटल 70x यानी 350 रुपये खर्च, x आ जाएगा 5 रुपये। अब 5 रुपये को यहाँ गुना करके दोनों की कीमत पता कर लेंगे, चावल 1x और गेहूं की कीमत 5x, तो 25 रुपये की गेहूं और 5 रुपये का चावल। अब गेहूं का पर्सन में कहा था कि दाम बढ़ गया, 20% बढ़ गया है,
तो 5 25 था ना, उसका 20% 5 रुपए होता है, 5 रुपए जोड़ देंगे तो 25 और 5 30 रुपए हो गया, और चावल का कीमत वही है, तो 30 रुपए अगर गेहूं हो गया तो 9 किलो लाना है तो 270 रुपए तो यही खर्च हो गए, बचे 350 रुपए में ही खर्चा चलाना है, तो 350 में से गेहूं का खर्चा 270 घटा देंगे, 80 रुपए बचा, तो 80 रुपए में कितना चावल आ सकता है 5 रुपए के भाव से, 16 किलो, तो कितनी कमी हो गया, तो 25 पहले था 16 अब आएगा, तो 9 किलो की कमी हो गया, तो 9/25 गुना 100 यानी 36% की कमी हो जाएगा। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, मतलब कंपटीशन में भाग लिया चुनाव में, और 20% वोट अवैध घोषित हो गए, तो ऐसे क्वेश्चन को करते समय सीधा 100 माना जाता है, तो माना जो 100 है वो कुल मत है या कुल वोट है, तो कुल वोट 100 है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि 20% वोट अवैध घोषित हो गए, तो टोटल 100 में से अब 20% अगर अवैध हो गया तो 80 बचा, क्योंकि 20 का तो 20% तो क्या हो गया, अवैध हो गया, तो बचा 80% यानी 80 वोट क्या हो गया, वैध मत हो गया, ठीक है। अब प्रश्न में कहा है कि और जीतने वाला 70% वैध मतों को प्राप्त करता है, अब इसमें दो हिस्से हो गए कि एक हो गया जीतने वाला उम्मीदवार, ठीक है, और एक हो गया हारने वाला उम्मीदवार। अब जीतने वाले को बोला है कि वैध मत का 70% मिला, यानी इसको 70% मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 30% मिला होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका अंतर निकाल लेंगे, ठीक है, इनका अंतर, तो इनका अंतर हो जाएगा 40%, ठीक है। तो क्या बोला कि और जीतने वाला 70% वैध मतों को प्राप्त करता है और 96 मतों से जीतता है, तो यानी वो इनका अंतर कितना है, देखो ये अगर 70% लाया है तो वो 30% लाया होगा, तो इन दोनों में अंतर कितना हुआ, 40%, तो ये इससे कितने जीता, 40% जीता, और 40% से जीता तो 80 का ही 40% जीता होगा, तो इस 80 का क्या निकालेंगे, 40%, तो 40% हो जाएगा इस 80 का 40%, तो हो जाएगा 32 मत, तो 32 जो मतलब मत है, वोट है, तो वो इतने वोटों इतना मतलब जीता है, इतना ये यूनिट हो गया, मतलब ये 100 यूनिट होता है, ठीक है, तो इसको आप यूनिट लो, तो 32 यूनिट जो है वो बराबर कितने वोटों जीता है, तो 9600 मतों जीता है, तो 9600 मत से जीता है, तो ये 32 यूनिट बराबर हो गया 96, तो एक यूनिट कितना हो जाएगा, 9600/32, अब इसे हम काट देंगे तो हो जाएगा 300, एक यूनिट अगर 300 तो 100 यूनिट माना था ना हमने, तो 100 यूनिट के लिए 300 गुना 100, तो हमें टोटल हो गया 30,000 वोट, और उसमें से वैध मत, तो वैध मत हो जाएगा 80, ठीक है ना, वैध मत कितना था, 20% तो अवैध हो गया, तो वैध मत 80, तो अब 80 का 300 से गुना कर देंगे तो 8 24,000, तो 24,000 मत तो वैध पड़े थे और कुल मत कितने थे, 30,000, ठीक है। दोबारा से समझते हैं, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट मत अवैध घोषित हो गए, और जीतने वाला 70% वैध मतों को प्राप्त करता है और 9600 मतों से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या दोनों ज्ञात करो, तो कुल मत हम मान लेते हैं 100 यूनिट, उसमें से 20% तो अवैध हो गया तो बचा 80, और 80 यूनिट हो गया वैध मत, अब 80 में से भी जो जीतने वाला से मिला 70%, तो हारने वाले को ऑटोमेटिक मिला होगा कितना, 30, अब कितने का अंतर है, 40%, तो इसका 80 का 40% निकाल लेंगे ना, तो 80 का 40% निकाल लेंगे तो इतना हो जाएगा 32 यूनिट, तो यानी 32 यूनिट जो है इससे वो जीता, तो यानी जीता कितने से, 32 यूनिट से, और 32 यूनिट कितने मत के बराबर है, 9600, तो एक यूनिट निकालने के लिए 32 डिवाइड में चला जाएगा, 300 आ जाएगा, तो एक यूनिट 300 वोट के बराबर, तो कुल मत 100 यूनिट पड़े थे, तो 100 गुना 300, 30,000 तो मत वो हो गया, और वैध मत कितना था, तो 80 था, क्योंकि 20% तो अवैध हो गया था, तो 80 गुना 300 24,000 मत हो जाएगा, ठीक है। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, ऐसे माना कुल मत x है, तो अवैध कितना था, तो अवैध था 20%, 20% मतलब 1/5, यानी कुल 5 थे तो उसमें से एक अवैध था, ठीक है, तो वैध कितने थे, यानी तो वैध थे 4/5, अब क्या था कि 40% से
मतलब जीत हुई है, 40% से जीत हुई है। तो वो 40% कितना होता है, 40% होता है 40/100, यानी 2/5, 20 दुनी 40, 20 25 100, 2/5। तो वैध मतों, तो वैध मतों का यानी जो वैध मत है उसमें से 2/5 में जीता है, और वो कितना जीता है, 9600। ठीक है, मतलब वैध मत यानी 40%, तो वैध मत का वैध मत कितना है, ये रहा वैध मत 4/5। तो x का 4/5 और उसका 2/5 बराबर में 9600। अब इसे x निकालने के लिए 9600 को मल्टीप्लाई 5/5 और ये जाएगा डिवाइड में 4×2, इसे काट देंगे 30,000 आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मत कितना पड़ा, तो कुल मत 30% और वैध मत कितना जाएगा, तो वैध मत हो जाएगा 20% घटाने के बाद 80%। तो 30,000 का 80% 4/5 इसे कर दोगे तो 24,000। तो इस तरीके से भी आपको सीखना है, ठीक है, आपको डायरेक्ट सीखना है कि माना कुल मत x है, तो x में से तो 20% अवैध हो गया, तो बचा कितना 80%, 80% होता है 4/5। ठीक है, और अब उस 4/5 में से भी ना वो जीत दिया हुआ है, अब उसे कितना मिला, जीत जीत कितना था, तो जीत था, जीत का अंतर 40% और 40% ये रहा 2/5, तो जीत का अंतर गुना वैध मत बराबर हो गया 9600 वोट। इसको आप सोल्व कर दोगे तो कुल मत निकल जाता है, और उसमें से फिर वैध मत निकालने के लिए 4/5 कर लेंगे तो 24,000। ठीक है, तो 24,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया यानी वोट नहीं दिया, और 12/1/2% मत अवैध निकल गए। ठीक है, ये भी बेकार, ये भी बेकार, और जीतने वाले को वैध मतों का 60% तो प्राप्त हुआ और 5600 मतों से वो विजयी हुआ। तो कुल मतों की संख्या, मतों की संख्या पता करो। तो पहले इसको मान लेंगे कि कुल 100, मतलब कुल जो है कुल मत 100 थे। अब उसमें से 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो बचा कितना 80, तो 80% लोगों ने मत दिया। ठीक है, तो इतना मत दिया गया। अब उसमें से भी क्या कह रहे हैं कि इतना परसेंट, अब ये कितना होता है इसको गुना करेंगे तो 25/2%, तो गुना में 100, 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक, अब ना 80 का 1/8 अवैध हो गया, तो 80 का 1/8 निकाल लेंगे ना, तो 10, तो इसमें से हो गए 10 वोट, तो 10 वोट अवैध हो गया, तो इसमें से 10 कम कर दो, बचा कितना 70, क्योंकि 10 तो क्या हो गया, अवैध हो गया। ठीक है, क्योंकि इतना परसेंट अवैध था, तो वो आ गया 1/8 और 80 का 1/8 हो जाएगा 10, तो बचा 70। अब 70 में से एक जीतने वाला विनर को W लिख लेते हैं और हारने वाले को L लिख लेते हैं। ठीक है, लूजर, तो विनर को 60% मिला होगा, तो हारने वाले को 40 मिला होगा, तो इसमें कितने का अंतर है दोनों में, तो 20% का अंतर है, और ये जो 20% का अंतर है ये 70 से निकलेगा, तो 70 का 20%, तो 20/100 होता है, तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, तो जो 14 यूनिट है ये इतने से जीत हुई है। ठीक है, तो 14 यूनिट की जीत हुई है, ये जीत है, क्योंकि 70 का 20% जीता है, तो 70 का 20% यानी 14 यूनिट जीता है। 14 यूनिट यानी पर्सन में कहा था कितना, कितने वोटो जीता है, 5600, तो ये 14 यूनिट किसके बराबर जाएगा, 5600 के। अब एक यूनिट पता कर लेंगे, तो 14 यूनिट को बट्टे में ले जाएंगे, तो 5600/14, तो ये हो जाएगा 400। ठीक है, एक यूनिट 400, तो कुल वोट कितना था, 100 यूनिट, तो कुल मत कितना था, तो 100 यूनिट। ठीक है, तो 100 यूनिट को गुना कर देंगे 100 × 400, तो ये जाएगा 40,000। ठीक है, तो कुल वोट कितने पड़े, 40,000। अब इसका एक और तरीका है, और हम ऐसे करें कि कुल x मान लें। ठीक है, कुल क्या मान लें, x। अब x में से क्या था कि 20% ने वोट नहीं दिया, तो दिया होगा 80% ने, तो 80% को 4/5 लिख देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद भी कितना, तो 12.5% जो है ये खराब हो गया था, अवैध हो गया था, तो ये हो गया 1/8, 1/8 छोड़ दो, तो कितना बचेगा, 7/8। अब उसमें से भी वो जीत का अंतर पता कर लो, उसको जीतने वाले को 60 मिला, तो हारने वाले को 40 मिला होगा, तो 20% और 20% कितना होता है, 1/5, तो 1/5 बराबर में 5600 से जीता। अब इसको सोल्व कर दोगे तो एक्स केल हो जाएगा 40,000। ठीक है,
इससे आपका वक्त बचेगा, आप इसको भी ट्राई करें। दोबारा समझे, कुल एक्स था, एक्स का अब 80%, ये कितना है 80%, तो 80% तो ये हो गया, और फिर अवैध वाला हो गया 1/8 का छोड़ दो तो 7/8 वैध हो गया, और वैध में से उसको जीत का अंतर कितना था 20%, 20% होता है 1/5, और वो अंतर कितना 5600 के बराबर, तो इसको सोल्व कर देंगे तो इतना मत मिला। ऐसे ही अगला है, एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 11 सही 1/9% मत अवैध घोषित किए गए और जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ। अगर वह 2000 मतों से विजयी हुआ हो तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। तो आप इसको करना एक्स मानकर तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि एक्स मानोगे 10% ने वोट नहीं दिया तो 90 में दिया होगा, 90 को 9/10 लिखेंगे, और इतने मत ने नहीं दिया, अब इतने मत ने नहीं दिया तो 1/9 आएगा सोल्व करोगे तो, और 1/9 ने नहीं दिया तो दिया होगा कितने, तो 8/9 वैध हुआ होगा। अब वैध में से 75% मतलब जीतने वाले को मिला है, तो हारने को 25 मिला होगा, 75 में से 25 गया तो 50%, 50% होता है 1/2, तो 1/2 से जीता, और जीत कितने के बराबर है 2000 वोट। इसको सोल्व कर दो तो एक्स की वैल्यू 5000 मत आ जाएगा, ठीक है, यानी इतने वोट से जीता, यानी कुल इतने वोट थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया और 20% लोगों ने मतदान नहीं किया और 600 मत अवैध घोषित किए गए, मतलब हो गए अवैध, तो 600 मत हो गए, और जीतने वालों को वैध मतों का 75% मिला। तो अगर वह 1500 मतों से जीता हो तो कुल मतों की संख्या याद करो। तो मान लेंगे कुल मत कितना है x, और 20% लोगों ने मतदान नहीं किया तो कितनों ने किया होगा 80%, 80% होता है 4/5, ठीक है, और उसमें सिर्फ 600 जनों ने 600 मत अवैध घोषित हो गए, तो इसमें से अब 600 कम कर दो, ठीक है, तो इतने हो गए वैध, ठीक है, इतने हो गए वैध मत। अब इसमें से भी क्या कह रहा है कि वैध मतों का 75% जीतने वाले को मिला, तो अगर 75 मिला तो नहीं कितना मिला 25, तो इसमें से 25 कम कर देंगे 50%, 50% कितना होता है 1/2, और वो कितने से जीता तो 1500 से जीता, तो इसको आप सोल्व कर दो, गुना हो जाएगा तो 3000, और ये हो जाएगा 4x/5 घटा 600 इधर जाके क्या हो जाएगा ऐड, तो 4x/5 बराबर ये 600 इधर आके ऐड हो जाएगा तो 3600, एक्स के लिए निकालने के लिए 3600 और गुना में ये 5 ऊपर और 4 डिवाइड में जाएगा तो 4×36 945, तो यानी 4500 मत, ठीक है, तो कितने मत थे 4500। सेम ऐसे ही है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 2500 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 55% मिला, तो वह भी 2000 मतों से जीता, तो मतदाता सूची याद करो, यानी कुल संख्या पता करो वोट कितने पड़े, ठीक है, तो कुल एक्स मान लेंगे और एक्स का 10% लोगों ने वोट नहीं दिया तो 90% 9/10 ने दिया होगा और इतना अवैध घोषित हो गया तो इसको माइनस कर दिया करो, ये बचा वैध, अब हो गया ये वैध मत, ठीक है ना। अभी जो वैध मत है इसमें क्या हो गया कि जीतने वाले को 5% मिला तो हारने वाले को 45 मिला होगा, तो कितने का अंतर हो गया 55 में से 45 गया 10%, 10% होता है 1/10 और बराबर हो जाएगा कितना, तो बराबर हो जाएगा कितने वोट से जीता 2000, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर देंगे तो एक्स के लिए हो जाएगा 25000, ठीक है, तो आप इसे करके देखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।